22 पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में और ये गौरव यात्रा निकाल रहे। 22। मैं बाकी राज्यों की, भाजपा शासित राज्यों की बात बाद में कभी रखूंगा, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, इन दोनों पार्टियों का नाम अनाप शनाप है। पंजाब में भी पीपीएससी का स्कैम अभी निकला है। आखिर कारण क्या है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं वहां पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है? क्या नौजवानों को आप गंभीरता से नहीं लेते? पूरे विश्व का सबसे नौजवान देश माना जाए भारत, और उसके नौजवान की यह हालत आपने कर दी हो, और आपका राज्य जहां आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आज आप प्रधानमंत्री हो, जब से आप वहां मुख्यमंत्री बने तब का सिलसिला अगर हम, मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहा हूं, आपके बाद आनंदीबेन पटेल आई, उस वक्त कितने पेपर लीक हुए? विजय रूपानी जी आए, कितने पेपर लीक हुए? भूपेंद्र पटेल जी आए, हालत देखिए। अभी स्कूल के पेपर लीक होना, बीबीए के होना, पटवारी के होना, नायब तहसीलदार के होना, वन रक्षक के होना, समझ में तो नहीं आता लेकिन हो रहा है। स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं। ये हालत है गुजरात के नौजवान की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहां सत्ता में है। अब बताइए किसको वो, किसका नाम लेंगे? नेहरू जी का लेंगे? 27 साल से तो कांग्रेस वहां है ही नहीं सत्ता में। 27 साल से आपकी सरकार रही है, उसमें से 12 साल नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने वहां क्या किया? अभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीकॉम का पेपर 13 अक्टूबर को निर्धारित हुआ था, लीक हो गया, टल गया। कितनी मेहनत जाती है एक परीक्षा की तैयारी करने में, माता पिता की एक निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, समय की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, और भविष्य की प्लानिंग होती है। हम और आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे हमारी भी प्लानिंग होती थी कि भाई कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद ये एंट्रेंस देंगे, फिर शादी करेंगे, फिर जिंदगी अपनी सेटल करेंगे। गुजरात के नौजवान की किस्मत में ये प्लानिंग नहीं लिखी है, क्योंकि उसकी प्लानिंग के सामने आ जाती है गुजरात की भाजपा सरकार। आप सबसे यह गुजारिश है कि यह मुद्दा जात पात से दूर है, धर्म मजहब से दूर है, विचारधाराओं से अलग हटकर है, ये मेरे देश के नौजवान का मुद्दा है, उसके भविष्य का मसला है। इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, इसमें चिंता सबसे ज्यादा तो इस देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, प्रधान सेवक को होनी चाहिए, जो वहां गौरव यात्रा निकाल रहे हैं अमित शाह, उनको होनी चाहिए। आप उस प्रदेश में जाकर नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करते हो, कैसे वोट मांग लेते हो, उसके साथ आपने किया क्या? उसके भविष्य का गला घोटा, उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा, उसके सपने मार डाले। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है, गुजरात में व्यापक घोटाला है, हर परीक्षा में घोटाला। तो यह सवाल हम सबको एक आवाज में उठाना चाहिए, मीडिया को यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। और जो सरेआम मालूम है कि किसने धांधली की, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। मजबूरी क्या है आपकी, कारण क्या है? यह